ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर है फ्रेंड्स। जो अभी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम चल रहे हैं उनके मैं पेपर दिखाऊंगा, साथ ही डिस्कस करूंगा कि इनमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जिनका भी एग्जाम लगा है बिजनेस कम्युनिकेशन का। आज उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आज डिस्कस कर दूंगा इसी वीडियो में कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जिसको पढ़ के आप अपने एग्जाम में गुड स्कोर कर सकते हैं। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन को टाइम ना वेस्ट करते हुए। संप्रेषण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर। दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, जैसे कि अभी 24 में एग्जाम में कई बार रिपीट हो रहे हैं कई यूनिवर्सिटियों में, और 21, 22, 23 तीनों चारों साल में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर कवर करके जाइएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन जो पेपर के दिखाए जा रहे हैं उनको जरूर एक बार पढ़िएगा, आपको जरूर लेटेस्ट पैटर्न्स पता चलेंगे एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फ्रेंड्स, प्रभावपूर्ण संप्रेषण का जो सेवन सी होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और शॉर्ट विश्लेषण। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये 2021, 2023 और 2024 में कई यूनिवर्सिटियों में पेपर में आ चुके हैं, इसलिए आप जरूर एक बार देख के जाएं। मौखिक प्रस्तुतिकरण भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग हर साल पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसी तरह बीकॉम के कोई भी पेपर होते हैं तो डायरेक्ट पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन का डिस्कस कर दिया जाता है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे चैनल के थ्रू बताए जाते हैं, इसलिए आप बीकॉम कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जानकारी हो तो मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, प्रभावी श्रवण होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना, अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रतिवेदन लेखन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में देख लीजिएगा, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने बताया, प्रतिवेदन थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको जरूर कवर के करके जाइएगा ताकि आप एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। इसका पेपर मैं अपने टेलीग्राम पेपर का पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल में दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन करके पेपर प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। थैंक यू सो मच। जानकारी कैसी लगी बताइएगा।